क्यों आ रही हो बार बार हमारे दरमियान? अफसोस हो रहा है हाँ हसन को छोड़कर। क्या बकवास कर रही हो किंजा? क्या है इस लड़की में, सुबह शाम आपकी इंसल्ट करती है और फिर भी आप उसके पीछे दुबलाते फिरते हैं? किंजा बिहेव योरसेल्फ। अब तुम मुझे सिखाओगी तमीज? हाँ मुझे किंजा जलाल अहमद खान को? किंजा किंजा पागल हो गई हो, बिहेव योरसेल्फ। जिया जलाल भाईजान मुझे पहले ही आपकी बात समझ में नहीं आती, सीधी और सही तरह से बात बताए ना कि मसला क्या है। वो हमारा आंखों के सामने लेटे मारता फिर रहे और ऊपर से हमारा मजाक उड़े थे। कौन अरसल? जी वो ही अरसल, आपका अनोखा लाडला जिसको खेलने के लिए हर वक्त चैन चाहिए। जलाल भाई जी ना आपको ना गलत फहमी हुई है, भी मेरे पुत्र पर इल्जाम ना लाए, वो जिया है जो मेरे पुत्र के पीछे पड़ी रहती है। क्या हुआ जी? ने जिया की वजह से मेरे साथ ही बच गई। देख ली अपनी आंखों से, सुन ली अपने कानों से, अब तुम हमको बताओ। इस अरसल को ना जाके मैं अभी ऐसे टीन डब्बे की तरह बजाती हूँ ना कि जिसने रोजा नहीं भी रखना होगा ना वो भी रख लेगा। मुझे तो लगता है कि उस नईमा और उसकी बच्ची की साजिश है। कुछ भी हो, साजिश हो या पता नहीं क्या मसला है ये, हम एक फैसला कर चुके हैं। कौन केड़ा फैसला कर लिया तुसी? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटे का हमारी बेटी के साथ शादी हो तो अकमेर में ये घर, नहीं तो फिर फैक्ट्री लिखना होगा वरना शादी कैंसिल। फिर ये शादी तो तुम कैंसिल ही समझो। क्या मतलब बीजान? ये घर मेरे नाम और दोनों फैक्ट्रियां तुम्हारे मरहूम वालिद के नाम, ये खाता तो फिर तुम क्लियर ही समझो और बाकी जो मामलात हैं वो मिल बैठ कर तय कर लो बेशक। ये क्या टोपी ड्रामा? अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज पढ़कर आ रहा हूँ। अल्लाह खैर। वैसे आपके लिए एक फ्री मशवरा है। क्या? अल्लाह से रुजू करें, रो रो कर दुआएं मांगे, चुटकी में मसले हल होंगे, चुटकी में ऐसा उदास पंछी बनकर बैठना नहीं पड़ेगा फिर से। कहता तो तू ठीक है यार। क्यों? वैसे आज मसला क्या है? एक बात बता, जिया को वाकई लोग देखने आ रहे हैं?